हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ठट्टा के करीब समंदर में जायरीन की कश्ती उलट गई, 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 180 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहल जारी। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा में कश्तियों के हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर हैदराबाद को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ऑपरेशन की खुद निगरानी करे, ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट दी जाए। मुराद अली शाह का हुक्म। पाकिस्तान अवामी तहरीक की कोर कमेटी का इजलास, शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला के इस्तीफे से पीछे न हटने का फैसला। इस्तीफा ना देने की सूरत में सियासी जमातों की मुशावरत से तहरीक या धरने का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ चलने के लिए तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज शाम ताहिरुल कादरी से मुलाकात करेंगे। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ताहिरुल कादरी कनाडा से सैर के लिए पाकिस्तान आते हैं। सानहे मॉडल टाउन की रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का तायुन नहीं हो सका। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां थम न सकी। अब्बासपुर सेक्टर में जनाजे के इज्तिमा पर फायरिंग, दो नमाजी शहीद। इलाके में भारतीय फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खैबर एजेंसी की बस्ती शेखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई में 4 गारे, 3 कंपाउंड्स और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। बरतानिया का पाकिस्तान से तारीन समेत मुख्तलिफ शोबों में तावुन जारी रहेगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। मेयर लंदन सादिक खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर यकीनी सियासी सूरतहाल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर असर। KSE 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स कमी से 38,800 की सतह पर बंद। Jerusalem as the capital of Israel. अमेरिका का मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इज़राइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। अमेरिका का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कराची एक्सपो सेंटर में सज गया साल का सबसे बड़ा कुतुब मेला। एक ही छत तले दुनिया भर के नामवर शोरा अदीब मुसन्निफ और मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें मौजूद। खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए और इल्मी प्यास बुझाइए। इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्लाम मुखालिफ वादों पर अमल शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में कहा था कि अगर वो अमरीकी सदर बन गए तो बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेंगे। We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर की हैसियत से एक और मुतनाज़ा फैसला कर दिया। I have determined
मैं अमरीकी सिफारत खाने को बैत अल मकदस मुंतकिल करने के अहकाम देता हूँ। ये एक इत्तेहादी को तस्लीम करने के अलावा और कुछ नहीं है। बैत अल मकदस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला अमरीका के बेहतरीन मुफाद, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कयाम अमन के लिए जरूरी था। मशरिक वस्ता का मुस्तकबिल रोशन और शानदार है। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों से कहता हूँ कि वो स्टेटस को बरकरार रखें और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। डोनाल्ड ट्रंप के अचानक किए गए फैसलों का ये हाल है कि खुद उनके दामाद और मुशीर इस फैसले से अनजान थे। I'll tell you what we're telling everyone else, which is no. Don't tell me what you're telling everybody else. Are you kidding me? All the reporters have already called, saying they have inside sources that know what the decision is. But what I'll say is that the president's going to make his decision, and he hasn't made his decision. He's still looking at a lot of different facts, and that when he makes his decision, he'll be the one to want to tell you, not me. So, बाज मुस्लिम मुमालिक पर सफरी पाबंदियां हो या बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो अपनी इंतहा पसंदाना सोच को लाजमी अमली शक्ल देंगे।